हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरियल पेज लेके आए हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस का डेट है आज 27 जुलाई 2018। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, अपना जो पहला टॉपिक है ये है सिटी एंड द डेलर। इसमें जो है मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इसमें जिक्र किया गया है। फ्लड 2005 में फ्लड आ गया था। अभी मानसून जैसे मौसम चल रहा है तो वहाँ पे बारिश हमेशा हो बारिश मानसून में अच्छे खासे होते हैं और सीज के साइड में है, और वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा देखा गया है कि 150 mm रेनफॉल जो है वो अक्सर आता है, अक्सर होता है मुंबई में। तो यही उन्होंने जिक्र किया है कि 2005 में फ्लड जब आया था तो ये 500 पीपल जो है वो मारे गए थे, कोई बह गए थे, कोई डूब गए थे। उसके बाद 944 mm जो था उस टाइम रेनफॉल हुआ था 24 घंटे में। उसके बाद इसी के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, माधवराव चीतले कमेटी, जो 2005 के बाद ऐसा डिज़ास्टर ना हो उसके लिए काम कर सके। तो यहाँ पे जो है वो लोग उन्होंने कहा था कि जो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम है उसको रिफर्बिश करना चाहिए। रिफर्बिश मतलब ड्रेनेज सिस्टम को फिर से बनाना, फिर से मेंटेनेंस करना। तो वहाँ पे यही सब काम हुआ। उसके बाद आसपास में बता दूँ, वहाँ पे मिथी रिवर है, जो उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट किया था कि जो ये मिथी रिवर है, ये मिथी रिवर का जो चैनल है उसको वाइड कर दिया जाए और वहाँ पे जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फेंके ना जाए और वहाँ से जो भी हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे क्या होगा ये मिथी रिवर ज़्यादा फैल जाएगा और वहाँ ज़्यादा अमाउंट में जो है पानी समुद्र की ओर जाएगा। तो उससे सिटी में जो है उतने ज़्यादा पानी नहीं रहेंगे। तो उनका ये कहना था, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। तो वही 2016 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कहा कि प्लास्टिक बैग्स जो है उनको बैन कर दिया जाए और जो स्टॉक करते हैं और सॉल्ट करते हैं उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये सारे गवर्नमेंट बोलते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दे, तो ये प्लास्टिक बैग्स को क्यों बैन करते हैं? ये प्लास्टिक बैग्स बनाने वाले कंपनी को क्यों नहीं बैन करते? ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ये मेरा मानना था वैसे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लाइक ए बॉस, ये सुषमा स्वराज के ऊपर जो ट्वीट्स हुए हैं उनके लिए है। बता दूं कि इसमें एक विकास मिश्रा है, ये लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र में वो काम करते हैं, तो इन्हीं के ऊपर है। एक हिंदू मुस्लिम कपल्स जो थे वो आए थे पासपोर्ट बनाने के लिए, तो उनका किसी कारणवश नहीं हुआ था, तो उन्होंने ट्वीट किया था, तो उनका पासपोर्ट जो है अगले दिन ही बन के आ गया था विदाउट एनी चेकिंग। ये क्या हुआ उसका ज़्यादा मतलब, आप अगर जानना चाहेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। तो उसी के लिए जो है बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे सुषमा स्वराज को। उस टाइम को इंडिया में नहीं थी, फिर भी सुषमा स्वराज को ट्रोल कर रहे थे कि इस तरह से ऐसे अगर कोई भी ट्वीट करेगा तो विदाउट एनी चेकिंग उनका पासपोर्ट इतने इजीली बन जाएगा। और वो भी ट्वीट करने वाले, ट्रॉल करने वाले वो व्यक्ति थे जिन्हें 41 से ज़्यादा बीजेपी के लीडर्स, लॉ मेकर्स जो हैं जानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। ये बड़ी बात है। तो वही सुषमा स्वराज ने उस पर कुछ नहीं किया। सुषमा स्वराज ने बहुत ही सूझबूझ भला काम किया, उन्होंने बस एक लाइक किया। जहाँ जिसने जिसने उन्हें ट्रॉल किया था उन्होंने बस एक लाइक किया और किसी पे मामूली सा कमेंट्स किया, ज़्यादा उन्हें ध्यान नहीं दिया। यही प्रॉब्लम थी। इससे पहले भी सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी सिटीज़न को इंडिया में आके इलाज करने का फैसिलिटी दिया था। तो ऐसे काम जो है आजकल ट्विटर से अच्छे जल्दी हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है नो फनलैंड।
नोफनलैंड में ये चाइना के बारे में बताया गया है कि चाइना में किस तरीके से टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग पे बैन लगते रहते हैं। तो ये जो केस है, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल वही बताते हैं कि चाइना में आज़ादी नाम की चीज़ नाम मात्र रह गई है। वहाँ के एक कॉमेडियन हैं जॉन ओलिवर, उन्होंने वो होस्ट करते हैं लास्ट वीक टुनाइट का, और HBO में उनका आता है। तो उन्होंने ये जिंगपिंग जो वहाँ के हैं, साई जिंगपिंग प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्हें उन्होंने क्रीपी अंकल कह दिया था, जो 8 लाख पीपल को जेल में कैद करने के जिम्मेवार हैं, ऐसा कुछ कह दिया था। तो केस ही के हुआ कि उनकी चैनल को वहाँ बंद कर दिया गया। ऐसे आते रहते हैं केस। तो यही है चाइना का। तो मैं कहूँगा कि इससे बेटर तो इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया में हमें सब कुछ करने की आज़ादी तो है। नेक्स्ट जो है हमारा, टू इनइक्वलिटीज़ में यूपी सीएम के बारे में बताया गया है, जो दलित रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे जामिया AMU में। जैसे कि मैं बता दूं, दलित के लिए 20 मार्च को जो हुआ था कंट्रोवर्शियल जजमेंट जो दिया था अपेक्स कोर्ट ने, ST/ST एट्रोसिटी एक्ट पे जो उन्होंने ये इम्प्रूवमेंट किया था, तो काफ़ी हल्ला भी हुआ था। लेकिन जो है उन्हीं के लीडर जो हैं, माफ़ कीजिएगा, उनका नाम याद नहीं आ रहा, रामविलास पासवान, उन्हीं के लीडर जो हैं, उन्होंने बहुत ज़ोरों से मांग किया था कि इन्हें हटा दिया जाए। लेकिन जो है धीरे धीरे समय बीतता गया और आज तक वैसा कोई कदम नहीं लिया गया। और आज वही जो है बीजेपी के यूपी के सीएम जो हैं, योगी आदित्यनाथ, वो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है और जो दलित वोटर्स हैं, उन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि 2019 का इलेक्शन सर पे है, इसीलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे एडिटर ने काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट के अनुसार 15% जो है सीट्स, जिसमें कि 7.5% जो है 7.5% ST को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, और 15% जो है SC को SC होनी चाहिए गवर्नमेंट सीट्स पे। तो वैसा केस होता नहीं है, 100 में से ओनली 7 या उससे भी कम कॉलेजेस, उससे कम ये होते हैं वहाँ पे। और ऐसा केस जो है BHU में सबसे ज़्यादा है, BHU में सबसे ज़्यादा है इसके जो है मात्रा है। तो आइए जो नेक्स्ट जो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिसिंग सैम। बता दूं कि ये जो है, ये फील्ड मार्शल मानिकसो, सैम मानिकसो, इनका नाम काफ़ी लंबा है। अगर क्विज़ में इनका नाम के बारे में पूछा जाए, तो इनका नाम एक बार आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है कि पता नहीं क्यों आज तक क्यों नहीं पूछा गया। काफ़ी लंबा इनका नाम है, जैसे कि अब्दुल कलाम का था, उनसे भी बड़ा नाम है फील्ड मार्शल मानिकसा, और जितना बड़ा नाम है उनसे बड़े ही काम है। ये बता दूं कि फील्ड मार्शल मानिकसा, ये ब्रिटिश रूलर के टाइम में ब्रिटिश आर्मी में थे, उसके बाद फिर इंडियन आर्मी में रहे, और 6 वार में ये भागीदार साथ रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब निडर थे। इनसे एक बार पूछा गया था इंडो पाकिस्तान वॉर में, इंदिरा गांधी ने पूछा था कि क्या हम लड़ने के लिए अभी तक तैयार हैं, इन्हें बुला के पूछा था। तो इन्होंने कहा था, यस आई एम ऑलवेज ऑलवेज रेडी स्वीटी। तो इस तरीके का शब्द यूज़ करना किसी प्राइम मिनिस्टर को, इससे ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये दिमागी तौर पे मजबूत थे। और उसी टाइम का एक और किस्सा बता दूं कि ये जो इंदिरा गांधी सोच रही थी कि जब इंडो पाक वार हो रहा है, तो उसमें अगर जीत जाते हैं तो ये मानिकसॉ जो हैं वो तख्त पलट कर सकते हैं, लेकिन
मानिकसॉ को भी ऐसा पता चल गया था कि वो ऐसा सोच रही हैं, तो मानिकसॉ ने खुद कहा था कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, लेकिन मेरे मेरी जो है किसी दूसरे के मैटर में ना घुसने की आदत नहीं है, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफ़ी अच्छे नाम थे। 27 जून 2009 को इनकी डेथ हुई है। 2008 को डेथ हुई है। 10 साल की बात है। इनकी जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने ये लिखा है इनके बारे में कहानी। इनके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। काफ़ी अच्छे, काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। धन्यवाद।